ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ने बहुत ही ऑसम तरीके से फेज 4 को खत्म किया है। देखो इस वीडियो में स्पॉइलर है, ध्यान रखना। वैसे मूवी देखते वक्त ऐसा फील हो रहा था कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस था रायन कोगर का एज अ डायरेक्टर, और ये फिल्म सिविल वॉर से भी ज्यादा डार्क लगा। एटलांटिस को ऐसा दिखाया है पूरा डार्क, जो कभी सोचे नहीं थे कि इतना डार्क दिखाया जा सकता है। एटलांटिस को मायंस के कल्चर को भी इतना जबरदस्त तरीके से दिखाया है, तुम बिलीव नहीं करोगे कि मायंस के कल्चर का गेम तक को एटलांटिस के अंदर दिखाया दिया है। अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो वकांडा का कल्चर पहले ही पार्ट में देखे थे, लेकिन इस मूवी का फ्यूनरल्स में जो सॉन्ग यूज किया जो इमोशनल करता है, चाहे वो रियाना का लास्ट सॉन्ग हो या फिर पूरे मूवी का सॉन्ग जो बैकग्राउंड में सुनाई देता है। रिया ने कसम से नमोर को बहुत ही सही वे में इंट्रोड्यूस किया है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कब नजर आता है। रिया ने जो एक्सप्लेन किया है नमोर के कैरेक्टर को, वो कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये विलन है। उसने भी बहुत कुछ खोया है और शोरी ने भी बहुत कुछ खोया है। अगर दोनों का रेशियो देखोगे तो 50-50 नजर आता है, और यही सेम इक्वेशन हमें ब्लैक पैंथर में भी दिखा था। सिनॉप्सिस में देखोगे तो क्या था, कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन रायन कोगर ने पहले ही बता दिया था कि हर सीन में लेट चैडविक बोसमैन को मिस करोगे, और ये चीज तुम हर टाइम देखते वक्त भी फील होगा। सिनॉप्सिस में ज्यादा स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इतना समझ लो कि एक दुनिया में दो किंगडम है जो अपने प्राइवेसी को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, वकांडा और टालुकांस एज अटलांटिस, जहाँ पे वकांडा ने अपना किंग को खोया है और गवर्नमेंट कुछ एजेंट भेजती है वाइब्रेनियम चुराने के लिए, वो भी ऐसे वक्त में जहाँ पे जब वकांडा को सबसे ज्यादा जरूरत था। और दूसरी तरफ भी एटलांटिस में कुछ वाइब्रेनियम पाया गया है, लेकिन इसकी वजह से एटलांटिस के प्राइवेसी को हर्ट हो गया है और इसी कारण से बाहर निकल के आता है, जहाँ पे वो वकांडा के लोगों से टकराता है। और जब वो दो किंगडम आपस में टकराता है तो युद्ध तो होगा, और उस वार का एंड बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। देखो यार, हम अपना सिनॉप्सिस फिलिंग द ब्लैंक जैसे दिए हैं, तो तुम लोग को समझ जाना कि हम कौन जगह पे ब्लैंक्स दिए हैं, कि ज्यादा मैंने डीप स्पॉइलर नहीं दिया है स्टोरी को लेके। रही बात एक्शन की, तो तुम लोगों ने देख ही लिया था कि मार्वल ने वकांडा फॉरएवर को लेके कितना टीवी स्पॉट रिलीज किया था और सारा एक्शन दिखा दिया था। सो लास्ट वाले फाइट सीन में तुम लोग नजर डालोगे तो वो फाइट था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि शोरी का भी कॉम्बैट स्किल खास नहीं है, ना ही नमोर का कॉम्बैट स्किल खास है, तभी हम लोग को उस टाइप का एक्शन फाइट दिखा है। और लास्ट में वही जीता है जिसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है, और हम सब जानते हैं कि शोरी जीनियस है। मूवी के क्रेडिट सीन को देखोगे तो ये सच में इमोशनल था। पूरे फिल्म देखते वक्त फील होता रहा कि कोई और हीरो होना चाहिए था। मूवी में कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो अपना 100% नहीं दिया है, सारे लोगों ने इतना जबरदस्त काम किया है। लेटिशिया मिशेल शूरी के कैरेक्टर को इतना पावरफुल दिखाया कि जो हैरान करता है, मूवी का सारा भार लेटिशिया पे ही था। जिला एवलिंस के परफॉर्मेंस को देखो तो उसके जैसा डायलॉग डिलीवरी करना इम्पॉसिबल था अदर एक्टर के मुकाबले में। हमको तो गोजबम्स आ रहा था उसके हर एक डायलॉग में। टेनो चुरेटा ने भी नमोर के कैरेक्टर में इतना जान डाल दिया कि अब हम लोग भूल नहीं सकते कि वो कौन है। विजुअल इफेक्ट्स को देखोगे तो पहले मूवी के हिसाब से अच्छा था। एटलांटिस को डार्क रखा है जो हमको अच्छा लगा है, जहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लिस था पर उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। ओवरऑल पूरे मूवी को देखोगे तो जबरदस्त मूवी है और बहुत ही सही तरीके से रायन कोगर ने अपना स्टोरी बताया है। मानते हैं कि मूवी लंबी है और लंबी मूवी में इमोशनल को ऐड करने के कारण मूवी कुछ जगह पे बोर फील होगा, ये इतना भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, लेकिन 2 घंटे 40 मिनट के मूवी में इतना सब चीज कॉमन लगता है। अगर तुम लोग इसको सुपर हीरो मूवी के नजर से देखोगे तो ये तुम लोग को सुपर हीरो मूवी लगेगा ही नहीं। हमको तो कुछ जगह पे भूल ही चुके थे कि ये वकांडा फॉरएवर देख रहे हैं या फिर कोई और मूवी, जहाँ पे शोरी को नमोर ने किडनैप करके एटलांटिस ले जाता है। वो विजुअल्स को देख के लग ही नहीं रहा था कि ये कोई सुपर हीरो मूवी देख रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी एक्सपीरियंस इस मूवी को देखते वक्त मिला था वो ऑसम था। रायन कोगर ने इस मूवी को नेक्स्ट लेवल पे बनाया है, चाहे वो स्टोरी की बात हो या एटलांटिस कल्चर को इतना अच्छे से दिखाना, फ्यूनरल के सीन्स को खूबसूरत से दिखाया है और उसको ऑडियंस से कनेक्ट करना वो काबिले तारीफ है। सिनेमाटोग्राफी में नजर डालोगे तो वो कूल लगता है, खासकर एक्शन सीक्वेंस सीन्स में। एंड लास्ट में इतना ही फील हुआ देखते वक्त की रिसेंट जितने भी फिल्म मार्वल का आया है उसमें कंपेयर करोगे तो ये मार्वल की फिल्म नहीं है। इस मूवी में स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है जो पब्लिक को बताया, बिना मतलब के कॉमेडीज नहीं है, तो फालतू डायलॉग नहीं है जिसे इरिटेट ना लगे। एंड मार्वल ने लेट चैडविक बोसमैन को अलविदा बोल दिया है, एंड इसी के साथ हमारा फेज 4 भी खत्म होता है। आने वाले ब्लैक पैंथर के लिए एक्साइटेड है, लेकिन इस वीडियो में मैं इसके बारे में स्पॉइल नहीं करूंगा, एंड वीडियो को यही खत्म करता हूँ। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ने कसम से थिएटर पे आग लगा दिया है। म्यूजिक भी टॉप नॉच है, एक्शन सीक्वेंस भी सब सही है, स्टोरी भी परफेक्ट है, एंड रायन कोगर ने मूवी को बहुत ही जबरदस्त डायरेक्ट किया है। नमोर के कैरेक्टर को देखोगे तो लगता नहीं है कि ये कैरेक्टर और कोई कर सकता है। बस इतना ही बोलेंगे कि मार्वल लौट आया है और हम लोग यही चीज चाहिए था। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अपना ओपिनियन भी जरूर शेयर कर देना कमेंट्स में कि मूवी कैसा लगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।